Brought to you by Coldural All in One. जो मिटाए सर्दी, सरदर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं कोल्ड्रिन ऑल इन वन. वंदना दिल्ली की रहने वाली है, उनकी एक बेटी है जिसकी उम्र 14 साल है. हमें वंदना ने बताया कि पिछले कुछ समय से उनकी बेटी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. उसे खांसी आती और फिर सांस चढ़ने लगती. जब उन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसे आस्थमा है. डॉक्टर ने वंदना की बेटी को इनहेलर लेने को कहा है, पर वंदना नहीं चाहती कि उनकी बेटी इनहेलर ले. उन्होंने ये बहुत सुना है कि इनहेलर सेफ नहीं होते, आगे जाके इसके काफ़ी साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, साथ ही एक बार इनहेलर लेना शुरू किया तो इसकी लत पड़ जाती है. वंदना जानना चाहती हैं कि क्या आस्थमा में इनहेलर के अलावा किसी और तरह से इलाज हो सकता है. साथ ही वो ये भी चाहती हैं कि हम उन्हें इनहेलर के बारे में और जानकारी दें, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं. डॉक्टर से बात करके इन सारी चीज़ों के बारे में अपने शो पर बताएं. वैसे इनहेलर को लेकर वंदना के मन में जो सवाल है वो बहुत ही आम है. कई लोगों में इनहेलर को लेकर काफ़ी ज़्यादा एप्रिहेंशन रहता है, वो इस पर भरोसा नहीं करते. इसे लेकर कई गलतफहमियां भी रहती हैं. इसलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक इनहेलर होता क्या है. इनहेलर्स बेसिकली लंग्स की बीमारी के लिए यूज होते हैं, जिनमें कि स्पेशली अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, जिनकी जो सांस की नलियों में जिनको प्रॉब्लम होती है, उन बीमारियों में इनहेलर्स का यूज़ होता है. तो इनहेलर्स होता क्या है? इनहेलर्स एक्चुअली एक डिवाइस होती है जिससे एक दवाई का एरोसॉल एयर फॉर्म में लंग्स के अंदर इनहेल करना होता है, ताकि दवाई जो है सीधे एक पाउडर फॉर्म में लंग्स के अंदर पहुँच जाए और वहाँ पर वो अपना काम करे, ताकि मरीज के अंदर जो सांस की नलियों में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो सिकुड़न हो रही है या सूजन हो रही है या वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसको दूर कर सके. तो एक एरोसोलाइज फॉर्म ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम लोग इनहेलर्स कहते हैं. कई प्रकार के इनहेलर्स अवेलेबल हैं. कुछ कैप्सूल के फॉर्म में होते हैं, जिसको किसी डिवाइस में डाल करके वो कैप्सूल टूट जाता है तो उसका पाउडर कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं. कुछ डिवाइस होती है जिसमें प्रीफिल्ड दवाई होती है, तो केवल जब हम पफ उसको लेते हैं सांस के द्वारा खींचते तो अंदर चला जाता है. और ये डिवाइसेस की काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है, ताकि इसको हम डॉक्टर लोग मरीज की आवश्यकता अनुसार, उसके प्रेफरेंस के अनुसार उसको बता सकते हैं, ताकि वो उसको लेता रहे, कंफर्टेबल रहे और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो और ड्रग डिलीवरी भी इफेक्टिवली हो सके. दूसरा ये है कि इनहेलर्स के अंदर दवाइयाँ भी अलग अलग प्रकार की आती हैं. वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको किस दवाई की ज़्यादा ज़रूरत है उसी के, और कई इनहेलर्स में होते हैं कई दवाइयों के कॉम्बिनेशन भी होते हैं. तो मरीज की आवश्यकता अनुसार, उसकी बीमारी के अनुसार, उसके अंदर जो डोजेज होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, वो तो डॉक्टर उसी के हिसाब से एडवाइस करते हैं. तो कई प्रकार के इनहेलर्स होते हैं, तो इनहेलर जब भी एडवाइस करना होगा वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना होगा. हमें अपने आप कोई इनहेलर ऐसे मार्केट से लेकर के नहीं लेना होगा, बिकॉज ऑल इनहेलर्स आर नॉट सेफ. एक्चुअली देखा जाता है कि हम लोग की कोशिश ये होती है कि दवाई अधिक से अधिक मात्रा में पहुँच सके जहाँ पर उसकी ज़रूरत है और कम से कम साइड इफेक्ट हो सके. जैसे कि स्किन को किसी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर लोग स्किन ऑइंटमेंट देते हैं, अगर आँख की प्रॉब्लम होती है तो आँख का ड्रॉप्स देते हैं. ऐसे लंग्स के अंदर का प्रॉब्लम है, एयरवेज की प्रॉब्लम है, किसी को एस्थमा है, सीओपीडी है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, या लंग्स के अंदर की सांस की नली में अगर इन्फेक्शन है, तो हम चाहते हैं कि जो दवाई है वो सीधे लंग्स के अंदर वहाँ पर पहुँचे, सांस की नली में पहुँचे, वहाँ पर असर दिखाए. क्योंकि अगर हम इसी को किसी टैबलेट फॉर्म में देंगे तो पहले वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी, उसके बाद वो मेटाबोलाइज होगी, फिर लंग में पहुँचेगी. तो उससे होता यह है, एक तो जो उसका ऑनसेट है दवाई का वो लेट हो जाता है, इफेक्टिविटी कम हो जाती है. इनहेलर से फ़ायदा ये होता है कि रैपिड ऑनसेट हो जाता है, कम मात्रा में दवा देनी पड़ती है बिकॉज उसको ब्लड के थ्रू नहीं जाना होता है, तो बहुत मिनिमम डोज जाती है और जो उसका असर है वो तुरंत दिखने लगता है और काफ़ी लॉन्ग टर्म रह सकता है. दूसरी चीज़ इससे जो साइड इफेक्ट होते हैं, जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो इन्हीं दवाई को अगर हम दें, ओरल रूट के थ्रू द्वारा दें, तो जो उसके सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स होते हैं उनसे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है. इसीलिए इनहेलर्स जो हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम है जो लंग्स की होती है, जैसे अस्थमा होती है, लॉन्ग टर्म होती है, क्रॉनिक होती है, तो इनमें बहुत काफ़ी समय तक यूज़ करना पड़ता है. तो हम दवाई वो देना चाहते हैं जो कि कम से कम साइड इफेक्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो सके. तो इसीलिए इनहेलर्स को बनाया गया और यही एक इसके पीछे विज्ञान है इनहेलर्स को बनाने का. देखिए ऐसा होता है, इनहेलर जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें दवाई की मात्रा बहुत कम होती है और ये डायरेक्ट डिलीवरी टू द अफेक्टेड सिस्टम है जो कि लंग्स की एयरवेज है, तो इसलिए इससे नुकसान होने की संभावना बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो हम ओरल मेडिसिन दें या उसी को हम इंजेक्शन के द्वारा दें. तो इनहेलर्स रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेडिकल मेडिसिन. इसीलिए इनहेलर्स मैंने जैसे कि आपको बताया था बनाए गए हैं.
लोग सोचते हैं कि इन्हेलर से आदत पड़ जाती है, उससे ज़्यादा नुकसान होता है, एज ए लास्ट रिसॉर्ट यूज़ करना चाहिए और ये बच्चों में नहीं यूज़ करना चाहिए, बुज़ुर्गों में यूज़ नहीं करना चाहिए, और लोग क्या कहेंगे, लोग सोचेंगे कि इसको कैसी बीमारी होगी जो कि लालच हो गई है। तो इस तरह की एक भय लोगों के दिमाग में रहता है जो कि बिल्कुल गलत है। इन्हेलर्स लॉन्ग टर्म यूज़ किए जा सकते हैं, ज़रूरत है तो ये ख़तरनाक हो सकता है बॉडी के लिए, टैबलेट से ज़्यादा अच्छी होती हैं, ये बातें बिल्कुल गलत हैं। एक्चुअली इन्हेलर्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचा जा सके, लॉन्ग टर्म इसको यूज़ किया जा सकता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा जल्दी काम करते हैं और इनके प्रैक्टिकली कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, और ये बच्चों में, बुज़ुर्गों में, सभी में दिए जा सकते हैं। और जनरली एज ए रेस्पिरेटरी फिजिशियन आपको बताना चाहता हूँ, हमारी इन्हेलर्स फर्स्ट चॉइस होती है। ऐसा नहीं कि जब टैबलेट फेल हो जाए या इंजेक्शन फेल हो जाए तब हमें इन्हेलर्स देना चाहिए, इन्हेलर्स एज ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देना होता है। क्योंकि इन्हेलर्स का फ़ायदा ये होता है कि ना केवल आपकी बीमारी को ठीक करते हैं बल्कि आपके आगे बीमारी ना हो उसको रोकने में भी सहायता करते हैं। तो नॉट ओनली इन ट्रीटमेंट बट ऑल्सो इन प्रिवेंशन इन्हेलर्स काम करते हैं। देखिए इन्हेलर्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं उनमें दो तरह से दवाइयाँ दी जाती हैं, एक होती है कंट्रोलर जो कि बीमारी को कंट्रोल करती हैं और उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं, दूसरी होती हैं रिलीवर जो कि सिम्टम्स को रिलीव करती हैं, जैसे कि सांस की तकलीफ हो रही है या खांसी आ रही है उसको रिलीव करने के लिए होती है। और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि दोनों का एक कॉम्बिनेशन एक इन्हेलर के अंदर होता है। इन्हेलर कौन सा देना आपको कंट्रोलर की ज़्यादा ज़रूरत है या सिम्टम रिलीफ की ज़्यादा ज़रूरत है, ये डॉक्टर आपको असेस करके दे सकते हैं, समझा समझ करके आपकी चॉइस के अनुसार दे सकते हैं। वो इन्हेलर एक तरह से डायरेक्ट इन्हेलर भी हो सकता है, वो किसी स्पेशल डिवाइस के द्वारा हो सकता है जिसमें एक पीछे का इंटरफेस लगा देते हैं ताकि ड्रग डिलीवरी बेटर हो सके, या कई बार एक कैप्सूल के रूप में होता है जो कि किसी डिवाइस के द्वारा लिया जा सकता है। तो डॉक्टर आपकी बीमारी की सिवेरिटी के अनुसार, आपकी प्रॉब्लम के अनुसार और आपकी चॉइस के अनुसार इन्हेलर्स एडवाइस करते हैं। इसलिए आपको ये समझना होगा कि अस्थमा का इलाज या सीओपीडी के इलाज के लिए इन्हेलर ही सही है। उम्मीद है कि इन्हेलर को लेकर आप लोगों के मन में जो भी सवाल हैं वो दूर हो गए होंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि इन्हेलर एकदम सेफ होते हैं। अगर आपको सांस से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके एक अच्छा इन्हेलर ले सकते हैं, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए आपको अपने बच्चों की आंखों में काजल क्यों नहीं लगाना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उनकी आंखों पर थोके भाव में काजल पोत दिया जाता है। अब ये काजल बच्चे को बुरी नज़र से बचाए या ना बचाए पर उसकी आंखों पर कहर जरूर ढाता है, इसलिए डॉक्टर्स ऐसा करने से मना करते हैं। हमने बात की डॉक्टर तारिक से, उन्होंने हमें बताया कि ऐसा क्यों कहा जाता है। देखिए, हमारी आँख और नाक के बीच में एक नली होती है जिसका नाम है नेसोलैक्रिमल डक्ट। इसी नली के जरिए आँख के आंसू नाक और गले से होते हुए पेट में चले जाते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। इसी के जरिए ही आँखों में बनने वाले जो फ्लूइड हैं वो फ्लश होते रहते हैं, आँखों में जमा नहीं होते। कई बार काजल के कारण नासोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक हो जाते हैं। अब ये डक्ट ब्लॉक हो जाते हैं तब आँखों से पानी बहने लगता है। कई बार गंदे हाथों से काजल लगाने से आँखों में इन्फेक्शन भी हो सकता है। साथ ही घर पर बने काजल या फिर कॉस्मेटिक काजलों से आंखें लाल हो जाती हैं बच्चों की, उनमें दर्द होता है और आसपास दाने भी निकल आते हैं और पानी बहता रहता है। इसलिए पहले एक साल तक डॉक्टर्स बच्चों की आंखों में काजल लगाने से मना करते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप अपने आँख में कोई दवा डालते हैं यानी आई ड्रॉप डालते हैं तो आपको गले में कड़वा महसूस होता है, वो इसी डक्ट के कारण होता है। दवा इस डक्ट से होते हुए गले और पेट में जाती है, इसलिए इस डक्ट का साफ रहना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों की आंखों में काजल लगाने से बचें, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। आज बात करते हैं कि क्या पिंक सॉल्ट नॉर्मल नमक से बेहतर होता है। नमक के बिना शायद ही कोई खाना पूरा होता है, लेकिन हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि नमक के इस्तेमाल को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग आजकल नॉर्मल नमक की जगह हिमालयन नमक या फिर पिंक सॉल्ट को खाने की वकालत करते हैं। तो क्या वाकई पिंक सॉल्ट नॉर्मल नमक से बेहतर है? हमने इसके बारे में पूछा डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी से। उनका कहना है कि काला नमक या पिंक हिमालयन सॉल्ट कई सारे मिनरल से भरपूर होता है जैसे पोटाशियम, लेकिन ये नमक हर इंसान के लिए सही नहीं हो सकता। अगर किसी का पोटाशियम हाई है तो ऐसे में इस नमक को खाने की सलाह नहीं दी जा सकती है। वैसे भी कोई भी नमक अगर आप 5 ग्राम से ज़्यादा खाते हैं तो वो आपको नुकसान ही करेगा, इसलिए खाने में नमक की मात्रा को कंट्रोल में रखें, चाहे वो कोई भी नमक क्यों ना हो।
आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो खत्म करने के पहले एक जरूरी सूचना, 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी की क्लास, मतलब एक नया पैसा सीजन 2। आपके तमाम सवालों के जवाब, चिंताओं का निदान और शंकाओं का समाधान एक ही जगह पर, देखने के लिए जुड़े रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।